शक्तिपीठ ज्वालामुखी में इस रविवार से सरकार के आदेशों व दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ज्वालामुखी के सभी बाजार, मंदिर बाजार, मार्केट बंद रहेगी। एसडीएम धनबीर ठाकुर ने इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि ज्वालामुखी में शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए दर्शनों को खुला रहेगा और अपने समय पर ही खुलेगा और बंद होगा। श्रद्धालु मंदिर खोलने के समय से बंद होने तक मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ज्वालामुखी में सभी प्रकार के बाजार, मार्केट व मुख्यतः मंदिर बाजार बंद रहेगा। जैसे कि आदेश प्राप्त हुए हैं कि रविवार को सभी प्रकार के मार्केट बंद रहेगी, केवल आवश्यक चीजों की दुकानें जैसे दवाई, दूध, ब्रेड, सब्जी व किराना की दुकानें ही खुली रहेंगी। बाकी सभी प्रकार की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। डीएसपी ज्वालामुखी तिलकराज शांडल ने बताया कि नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। रात 8 बजे के बाद सभी दुकानें बंद होंगी और इमरजेंसी वाहन ही सड़कों पर चलेंगे। इसके अलावा सभी प्रकार की आवाजाही बंद रहेगी। कोरोना महामारी बड़े स्तर पर प्रदेश में फैल रही है, इसलिए सभी लोग मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी और अवहेलना करने पर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। रविवार के दिन बाजार जो है वो पूर्ण रूप से बंद रहेगा। सिर्फ जो हमारी एसेंशियल चीजें हैं, जैसे दूध की दुकान है, ब्रेड है, मच्छी है, अंडा है, और भी जो चीजें हैं, दवाई है, ये सारी खुली रहेंगी। गुड्स कैरियर हैं हमारे, वो जो सामान्य रूप से चलेंगे। मंदिर हमारा जैसे जिस जो समय है खुलने का, सवेरे 7 से 7:30 तक सायं का, उस तरह से खुला रहेगा मंदिर। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे खुले रहेंगे। मंदिर का जो बाजार है वो संडे वाले दिन बंद रहेगा, बाकी भी थ्रू आउट जो बाजार है वो बंद रहेगा।